जब हम रात को तारों से भरा आसमान देखते हैं तो वह हमें बहुत ही शांत और मनमोहक लगता है, पर हमारा ब्रह्मांड इतनी शांत जगह नहीं है। यहाँ ऐसी घटनाएं होती हैं जो मनुष्य की सोच से परे हैं, और यहाँ पर कई विध्वंसक और भयानक घटनाएं भी होती हैं जिसके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज हम अंतरिक्ष के कुछ ऐसे ही डरों का सामना करेंगे। आप देख रहे हैं स्मार्ट टेक्नोबिज, मेरा नाम है राजीव रंजन कुमार। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। नंबर 5 पर है एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट। 9 जनवरी 2017 को जब हम अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे, तब एक एस्ट्रॉइड यानी कि एक क्षुद्र ग्रह धरती से टकराने के काफी करीब था। 2017 AG-13 के नाम से जाना जाने वाला यह एस्ट्रॉइड धरती और चांद के बीच से आधी दूरी से निकल गया। यह एस्ट्रॉइड 25 से 30 मीटर लंबा था, यानी कि तुलना में यह 10 मंजिली इमारत के करीब था। 2013 में इतना ही बड़ा एक एस्ट्रॉइड रशिया के चेलिबिंग शहर के ऊपर टूटकर बिखर गया था, जिसकी वजह से हजार से ज्यादा लोग घायल हुए थे। पर ये दोनों एस्ट्रॉइड उन लाखों करोड़ों एस्ट्रॉइड और कॉमेट यानी कि धूमकेतु में से एक हैं जो हमारे सौरमंडल में मौजूद हैं, और इनमें से कई धरती के परिक्रमा पथ के काफी करीब हैं। एक आंकड़ों के मुताबिक 2017 तक 857 ऐसे एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट का पता लगा लिया गया है जो धरती के काफी करीब हैं और जिनकी लंबाई 1 किलोमीटर से ज्यादा है। अंतरिक्ष में भटकते हुए विशाल पर्वत के आकार के एस्ट्रॉइड पूरी धरती से जीवन का नामोनिशान मिटा देने की क्षमता रखते हैं, और माना जाता है हजारों साल पहले एक ऐसा ही विशाल एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराया था जिसने डायनासोर के पूरी प्रजाति का विनाश कर दिया था। जो हजारों साल पहले हुआ था वह आज भी हो सकता है, इसलिए नासा का एक प्रोजेक्ट है जो धरती के काफी करीब आ रहे एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट पर नजर रखता है। लेकिन यह प्रोजेक्ट भी सिर्फ 1 किलोमीटर लंबाई से बड़े एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट पर ही नजर रखता है जो पूरी पृथ्वी पर विनाश ला सकते हैं, पर इनसे छोटे एस्ट्रॉइड हजारों की संख्या में मौजूद हैं जो पृथ्वी से टकरा सकते हैं। इनके टकराने से विश्व स्तर का विनाश तो नहीं होगा, पर यह एक पूरे शहर का विनाश करने की क्षमता रखते हैं, और चिंता की बात यह है कि इन सब पर नजर रख पाना संभव नहीं है। 9 जनवरी को जो एस्ट्रॉइड धरती के काफी करीब से गुजरा था उसका पता भी धरती के पास से गुजर जाने के बाद लगाया जा सका, लेकिन हम अभी भी सुरक्षित हैं और ऐसा कोई बड़ा हादसा अभी तक नहीं हुआ है। इसके लिए हमें जुपिटर यानी कि बृहस्पति का शुक्रिया कहना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति की वजह से हम बचते आ रहे हैं। बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण बल इतना मजबूत है कि यह इन एस्ट्रॉइड और कॉमेट का रुख बदल देता है और हमें इनमें से कई खतरों से बचाता है। नंबर 4 पर है रोज प्लैनेट। अगर एस्ट्रॉइड्स या कॉमेट का पृथ्वी से टकराना आपको भयानक लगता है, तो किसी ग्रह से पृथ्वी के टकराने के बारे में आप क्या सोचते हैं? अभी तक आपने पृथ्वी के किसी ग्रह से टकराने की अफवाह आपने इंटरनेट पर कई बार सुनी होगी, पर ऐसा हो भी सकता है। जब ग्रहों की बात आती है तो ऐसे खगोल पिंड की तस्वीर दिमाग में आती है जो एक निश्चित कक्षा में अपने सितारे की परिक्रमा करता है। अगर सभी ग्रह अपनी अपनी कक्षा में अपने सितारे की परिक्रमा करें तो कोई किसी से नहीं टकराएगा, पर कुछ ऐसे ग्रह भी हैं जो इन नियमों का पालन नहीं करते हैं। ये वह ग्रह हैं जो किसी भी सौरमंडल से बंधे हुए नहीं हैं और खुलेआम अंतरिक्ष में भटकते हुए सीधे आकाशगंगा की परिक्रमा करते हैं। इन ग्रहों को रोज प्लैनेट यानी कि लावारिस ग्रह भी कहा जाता है। ये ऐसे ग्रह हैं जो किसी कारण से अपने सौरमंडल से बाहर धकेल दिए गए हों, या फिर इनका निर्माण अपने आप हुआ हो, ठीक वैसे ही जैसे सितारों का निर्माण होता है। और ऐसे पिंड जिनका निर्माण अपने आप हुआ है उन्हें इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ब्राउन ड्वार्फ का नाम दिया है, और ये लावारिस ग्रह और पिंड भारी संख्या में अंतरिक्ष में मौजूद हैं, और क्योंकि इनका अपना प्रकाश नहीं होता इन्हें सीधे तरीके से देख पाना संभव नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इनकी संख्या ब्रह्मांड में मौजूद सितारों के बराबर है, यानी कि जितने सितारे आप आसमान में देख रहे हैं उतने ही लावारिस ग्रह भी आसमान में मौजूद हैं। वाइस 0855 एक लावारिस ग्रह है जो अब तक के ढूंढे गए लावारिस ग्रहों में से सबसे करीब है। यह ग्रह पृथ्वी से 7 प्रकाश वर्ष दूर है। किसी लावारिस ग्रह से पृथ्वी के टकराने की संभावना अभी निकट भविष्य में नहीं है, पर वैज्ञानिकों के सिद्धांत की बात माने तो पृथ्वी पहले ही एक ग्रह से टकरा चुकी है। जाइंट इंपैक्ट के सिद्धांत के मुताबिक 450 करोड़ साल पहले एक मंगल ग्रह के आकार का ग्रह जिसे थिया के नाम से जाना जाता था पृथ्वी से टकरा गया था। माना जाता है कि यह ग्रह पृथ्वी के समानांतर कक्षा में परिक्रमा करता था, और बृहस्पति और बुध ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से यह पृथ्वी के कक्षा में आकर पृथ्वी से टकरा गया। इस टक्कर में थिया ग्रह पूरी तरह से नष्ट हो गया, और टकराव के बाद पृथ्वी और इस ग्रह के कुछ टुकड़े अंतरिक्ष में पहुंच गए जो बाद में इकट्ठा होकर पृथ्वी का चांद बन गए।
इस सिद्धांत का सबूत अपोलो मिशन में भी प्राप्त हुआ था। जब इस मिशन द्वारा चांद से लाए गए नमूनों का परीक्षण हुआ तो यह पाया गया कि इनकी संरचना पृथ्वी पर मौजूद मिट्टी की संरचना से मेल खाती है। नंबर 3 पर है हाइपर वेलोसिटी स्टार। एक लावारिस ग्रह से ज्यादा खतरनाक क्या हो सकता है? एक लावारिस भटकता सितारा। तो आइए मिलते हैं हाइपर वेलोसिटी स्टार से। हाइपर वेलोसिटी स्टार एक ऐसा सितारा है जो काफी तेज गति से अंतरिक्ष में चलता है। इनकी गति इतनी तेज होती है कि ये आकाशगंगा की एस्केप वेलोसिटी से भी ज्यादा होती है। ऐसे तो अंतरिक्ष में हर चीज गतिमान है, यहाँ तक कि हमारे सितारे भी गतिमान हैं और यह आकाशगंगा का चक्कर लगाती हैं। पर आम तारों की गति 100 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, तो वहीं हाइपर वेलोसिटी स्टार की गति 10 गुना ज्यादा यानी कि 1000 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और कुछ हाइपर वेलोसिटी स्टार ऐसे भी हैं जिन्होंने आकाशगंगा से सफर करते हुए अब वो आकाशगंगा से बाहर निकल चुके हैं। हाइपर वेलोसिटी स्टार कैसे बनते हैं, इसके दो सिद्धांत हैं और दोनों ही सिद्धांतों में एक बात समान है कि हाइपर वेलोसिटी स्टार का जन्म बाइनरी स्टार सिस्टम यानी कि दो तारों के मंडल से होता है। बाइनरी स्टार सिस्टम में दो तारे होते हैं जो एक दूसरे के साझे द्रव्यमान के केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ मास की परिक्रमा करते हैं। पहले सिद्धांत के मुताबिक अगर ये बाइनरी स्टार सिस्टम किसी ब्लैक होल के समीप चले जाते हैं तो संभव है कि इनमें से एक तारा ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण के बल में फंस जाएगा और दूसरा तारा तीव्र गति से बाहर फेंक दिया जाएगा जो हाइपर वेलोसिटी स्टार बन जाता है। दूसरे सिद्धांत के मुताबिक जब इन बाइनरी सिस्टम में से एक सितारे में सुपरनोवा का विस्फोट हो जाए तो दूसरा सितारा विस्फोट के कारण तेजी से बाहर धकेल दिया जाएगा जिसकी वजह से वह हाइपर वेलोसिटी स्टार बन जाएगा। नंबर 2 पर है रोज ब्लैक होल। अब हम बात करेंगे अंतरिक्ष के विशालकाय दानवों की यानी कि ब्लैक होल की। ब्लैक होल एक ऐसे खगोल क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना तेज होता है कि उसके अंदर जाने के बाद कुछ भी बाहर नहीं आ सकता, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं। माना जाता है कि हर आकाशगंगा के मध्य में एक विशालकाय ब्लैक होल मौजूद होता है और हमारे आकाशगंगा के मध्य में भी एक विशालकाय ब्लैक होल मौजूद है। जो भी वस्तु इस ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र के अंदर आता है वह वस्तु इस ब्लैक होल के द्वारा निगल लिया जाता है और वह हमेशा के लिए उस ब्लैक होल का हिस्सा बनकर रह जाता है। ब्लैक होल में गिरने के लिए आपको इसके करीब जाना पड़ेगा, लेकिन हाल ही में चौंका देने वाली एक खोज हुई है जो इन ब्लैक होल को और भी भयानक और डरावना बना देती है। चंद्रा एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से एक ब्लैक होल का पता लगाया गया है जिसे XJ1417+52 के नाम से जाना जाता है। यह ब्लैक होल किसी आकाशगंगा के मध्य में नहीं है बल्कि यह रोज ब्लैक होल है यानी कि एक भटकता हुआ ब्लैक होल है। इस ब्लैक होल को लेंटिकुलर आकाशगंगा के किनारे पर देखा गया है और यह आकाशगंगा पृथ्वी से 450 प्रकाश वर्ष दूर है। इस तरह के ब्लैक होल तब पैदा होते हैं जब दो आकाशगंगाएं आपस में टकराती हैं या फिर आपस में विलय हो जाते हैं। और इस तरह के ब्लैक होल भयानक और डरावने इसलिए हैं क्योंकि यह अंतरिक्ष में भटकते हुए अपने आसपास आ रहे चीजों को निगल सकते हैं। नंबर 1 पर है कॉलिजन ऑफ गैलेक्सीज यानी कि आकाशगंगाओं का टकराव। अब यदि आपको धरती के किसी एस्ट्रॉयड से टकराने की घटना या फिर किसी लावारिस ग्रह से टकराने की घटना या किसी भटकते ब्लैक होल द्वारा निगल लिए जाने की घटना डरावनी लगती है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ भी निकट भविष्य में नहीं होने वाला है और ना ही ऐसा कुछ निश्चित है। लेकिन एक घटना ऐसी है जो भविष्य में होगी और वैज्ञानिकों का कहना है कि यह निश्चित है। आज से 450 करोड़ साल बाद हमारी आकाशगंगा मिल्की वे दूसरी आकाशगंगा एंड्रोमेडा से जा टकराएगी। सोचने में यह घटना बहुत डरावनी लगती है और ऐसा लगता है इससे काफी विनाश होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन दोनों आकाशगंगाओं के टकराने से इनके किसी भी सितारे के एक दूसरे से टकराने की संभावना ना के बराबर है क्योंकि सितारों के बीच में दूरी इतनी ज्यादा है कि इनका आपस में टकराना संभव नहीं है। इस टकराव से इन दोनों आकाशगंगाओं का आपस में विलय हो जाएगा और इनके बीच में मौजूद ब्लैक होल भी एक दूसरे में विलय होकर एक विशालकाय ब्लैक होल बना लेंगे। अब सवाल आता है कि इस टकराव से हमारे सौर मंडल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जवाब यह है कि इस टकराव से सौर मंडल और उनके ग्रहों पर कोई खास असर नहीं आएगा। बस इतना होगा कि हमारा सौर मंडल विलय के बाद बने आकाशगंगा के और भी बाहर की तरफ चला जाएगा। लेकिन यह सब देखने के लिए शायद मनुष्य जाति मौजूद ना हो क्योंकि उस वक्त तक धरती की सतह बहुत गर्म हो चुकी होगी जहां पर तरल पानी का रहना संभव नहीं होगा, इसलिए जीवन भी समाप्त हो जाएगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सूरज की रोशनी उस वक्त तक 35-40% बढ़ चुकी होगी और सूरज अपने जीवन के अंतिम क्षणों में होगा।
इस तरह के आकाश गंगाओं के टकराने घटना आम है और अभी NGC 2207 और IC 2163 दो आकाश गंगाएं हैं जो आपस में टकराने के क्रम में हैं और इनके विलय होने की प्रक्रिया लाखों साल चलेगी। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।